ट्रैवल करना वो एक ऐसा खास अनुभव है जिसमें हम नई जगह की खोज में निकलते हैं और अलग अलग संस्कृतियों, विरासतों और प्राकृतिक सौंदर्य को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए साथ में यात्रा करें और नए सफर में खो जाएं। पर जैसे ही मैं मेट्रो में पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरी ट्रेन 1 घंटे नहीं 4 घंटे लेट है। फिर क्या था, मैं भाई को कॉल करके बुला लेता हूँ टाइम पास करने। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे सफ़र में जिसकी मैंने कल्पना करी थी। तो ट्रेन मेरी 8 बजे की थी बट वो थोड़ा लेट हो गई, तो 10:30 बज चुके हैं, 11:30 की ट्रेन है और हम करते हैं भाई को बाय बाय। ट्रेन आ गई है तो बेसिकली आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम केरला एक्सप्रेस 12262। अपने डब्बे में चढ़ते ही मुझे पता लगता है कि मेरे को दी गई है लोअर साइड सीट, जो कि बहुत अच्छी सीट है। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे पैसेंजर मिल जाए साथ में इंजॉय करने के लिए। अब रेल अपने टाइम से चल तो पड़ती है बट रात इतनी हो रही थी कि मुझे लगता है कि सो जाने में फ़ायदा है, कल सुबह उठ के लोगों से बातचीत करते हैं। वार्निंग, अगर कोई खाना खाते हुए मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आंखें बंद कर ले। सुबह जब मैं उठता हूँ तो खाली मेरा प्रेशर नहीं, लोगों का प्रेशर भी बना हुआ होता है। अब मैं रेल से आने की डिसीजन को रिग्रेट कर ही रहा होता हूँ कि मैं सोचता हूँ अब कुछ तो करना ही है। तो मैं निकल जाता हूँ दूसरे डब्बे के वॉशरूम को चेक करने और लकीली वहाँ बिल्कुल मुझे साफ सुथरा वॉशरूम दिख जाता है। अभी हम पहुंचे हैं बीना और ट्रेन चल रही है हमारी कम से कम 8 घंटा लेट। और ये भाई मिला है, राज भाई है इसका नाम, और नागपुर से आई है। ये भी घूम के आ रहे हैं थाईलैंड, पूरा 7-8 दिन का ट्रिप करके आए हैं ये। तो ये अब जा रहे हैं दिल्ली से अपने घर नागपुर। भैया कैसे दिया जल्दी बताओ। ये लो चढ़ो 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 चढ़ो। राज से मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो अपनी बहुत सारी वीडियोस और मेमोरी शेयर करते हैं मेरे साथ थाईलैंड के ट्रिप की, और बताते हैं कि कैसे उन्होंने कहाँ का क्या क्या एंजॉय किया। और साथ में हम थोड़ा अमरूद के और फ्रूट्स का आनंद लेते हुए ऐसे सफ़र निकालते हैं अपना। ठीक है, ओके पक्का। अब नागपुर रात को आ जाता है और राज को बाय बाय बोल के अब मैं वेट करता हूँ कि अगला मेरा को पैसेंजर। इस बार राज की जगह आती है एक ऐसी फैमिली जिसके 2 बच्चे होते हैं, पूरे रास्ते वो हल्ला करते हुए चलते हैं। 9:56 10 बज चुके हैं और दिस इज दी नाइट 2 इन दिस ट्रिप। अब तक तक एक दोस्त आया मिला था बना तो मेरे यहाँ पे, वो चला गया अपने नागपुर, उतर चुका है वो। नागपुर में ट्रेन है यहाँ से, ये देखो नागपुर स्टेशन है ये। उनसे बात करने पर पता चलता है कि वो भी मेरी तरह केरला घूमने जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी कोची। और वो अपने साथ पूरी केतली लेके आए होते हैं, फिर अपने लिए चाय बनाते हैं, थोड़ी चाय मेरे को भी पिलाते हैं साथ में बिठा। चाय पीते हुए मैं सोचता हूँ कि कहाँ मैं दिल्ली में 10 डिग्री पर था, कहाँ मैं अभी 25 डिग्री पर हूँ। हमारा भारत देश कितना डाइवर्सिफाई है कि आपको एक साथ इतना कुछ देखने को और महसूस करने को मिल जाएगा। कटपड़ी जंक्शन
भाई 6 बज गए, मुझे नहीं पता कैसे कोयम्बल उतारेगी मेरे को ये, 10 बजे पहुँचाएगी आराम से वहाँ जाके होटल का, कोई हिसाब किताब कुछ आइडिया नहीं है, देखेंगे जाके क्या करना है। बट ये यहाँ की जो खुशबू है ना, हवा इतनी साफ लग रही है दिल्ली से, तो वैसे इतना अच्छा है। जैकेट इधर है नहीं, मैंने पहन रखी है बस, वरना जैकेट भी उतार तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया आराम से। मेरी ना आई वॉच अंदर रखी है, वरना उसमें टेम्परेचर देख के बताता हूँ क्या हो रहा है अभी। ये लिया कुछ खाने पीने के लिए, अब तो मुझे ऐसा लग चुका था कि रात के 12-1 बजे मुझे कोयम्बतूर ड्रॉप करेगी, तो इससे अच्छा है मैं क्यों ना एर्नाकुलम स्टेशन उतरूं, जहाँ से मैं कोची पहुँच सकता हूँ और आराम से कोची से अपना ट्रिप स्टार्ट करूँ। इसलिए मैं अपने हाथों हाथ खाना ऑर्डर कर लेता हूँ रात के खाने के लिए। ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, देख रहे हो मैं चढ़ा था 23 तारीख को रात के 11:30 बजे और आज 26 के 5 बज चुके हैं, 26 जनवरी। और अभी एक्चुअली मेरी हालत नहीं है वीडियो बनाने की, तो फटाफट कहीं सोने का जुगाड़ देखते हैं और फिर करेंगे कंटिन्यू कि कैसी रही मेरी जर्नी। 3 दिन की जर्नी लगी है मेरे को पूरी, 23 से 26 की। ओ भाई ट्रेन इतना गलत टाइम उतार रहा है ना कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। वहाँ पे कहीं वेटिंग एरिया था नहीं, सुबह के 5 बज रहे थे, मैं चलो कोई नहीं हॉस्टल देखा था, मैंने बात की थी कि चलो वहाँ पे चला जाऊँगा मैं, वहाँ पे गया कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, और एक अनजान शहर में जहाँ किसी को हिंदी छोड़ो इंग्लिश भी नहीं आती, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब मलयालम ही बोल रहे हैं यहाँ पे। पर यही एक्सपीरियंस है जो शायद करने के लिए मैं निकला था टू सी दी अनरूट भारत, कि एक्चुअली में क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। और मैंने जानबूझ के साउथ इंडिया चुना था क्योंकि मैं कभी ना साउथ इंडिया आया ही नहीं था, तो मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि एक्चुअली में क्या डिफ़िकल्टी होती है, और आते के साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस गुड। अब फटाफट कुछ और देखते हैं, सोने का जुगाड़ चाहिए क्योंकि अभी जो नीड है वो है नींद और एक अच्छे बात की। फटाफट एक अच्छा होटल देख लेते हैं, हॉस्टल से बाद देखेंगे, सोते हैं नींद पूरी करते हैं नहाते हैं और फिर शाम को निकलेंगे कोची घूमने नाइट विजिट पे। अब तक जो आपने वीडियो देखी वो मेरी जर्नी थी जो कि मोर देन 50 आवर्स चली। एक्चुअली मैंने बोर्ड किया था 23 के रात को 11 बजे ट्रेन में, और मुझे मतलब ट्रेन ऑलरेडी 3 घंटा लेट थी, फिर लेट होते 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 लेट ट्रेन इतनी लेट हो गई कि ऑलमोस्ट 11 घंटे वो लेट थी। ट्रेन को मुझे ड्रॉप करना था 25 की शाम को कोची, और बट उसने मुझे ड्रॉप किया सुबह 4 बजे, और सुबह 4 बजे हिसाब से मेरी पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। बट मैंने कोशिश करी जितना कि मैं कैप्चर कर सकूं वीडियो के थ्रू आपको दिखा सकूं, उतना मैंने कैप्चर किया। कुछ चीज़ ऐसी जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि ऑन द स्पॉट कैमरा ऑन नहीं कर सकते आप, पर वो मेरे दिल में अब भी है कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जैसे कि मेरी इस जर्नी का मोटिव है अनरूट भारत का ये पहला एपिसोड है, और जो मैंने इस पूरी जर्नी में इतनी डाइवर्सिटी बस एक रूट में देख ली है, नॉर्थ टू साउथ आते आते मेरे को मराठी लोग मिले, तमिल तेलुगू मलयालम हर लैंग्वेज के लोग मिल चुके हैं, और ऑल ओवर अब तक एक्सपीरियंस अच्छा है। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आई होप कि आप इस वाली वीडियोस में मेरे को सपोर्ट दिखाओगे। ये देखो रात को जब मैं आया ना मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने पूरी की पूरी चॉकलेट अकेले ही खा ली, हालांकि डार्क चॉकलेट मुझे पसंद भी नहीं है स्टिल। और जब रात जब मैं सुबह 4 बजे उठाऊँ ना ट्रेन से उतरा हूँ, उतरते ही मैंने ऑटो किया कि यार कहीं तो जाना ही है, स्टेशन में कहीं जगह थी नहीं सोने की, लोग चादर बिछा के सो रहे थे नीचे। और फिर मैंने ऑनलाइन देखा बट मेरे को कहीं हॉस्टल्स भी नहीं मिले, एक ऑटो लिया। ऑटो में भाई उतरते के साथ से मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि किसी को आती नहीं है यहाँ पे हिंदी अच्छे से, मतलब 10 में से 1 को हिंदी आती है, 3 को इंग्लिश आती है, बाकी सब मलयालम बोलते हैं यहाँ पे। तो जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो एक्चुअली बहुत बड़ा बैरियर है, और मेरा जो साउथ इंडिया आने का ही पर्पस यही था कि
मैं कभी साउथ इंडिया नहीं आया, मेरा फर्स्ट टाइम है। और वो बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ ना, तो मेरे को मिलती नहीं साउथ इंडिया की, तो इसी बहाने मेरा था कि साउथ इंडिया एक्सप्लोर करूँ। और जो अपने हिंदी टॉकिंग ऑडियंस है ना, वो मेरी वीडियो देख के आए, तो उन्हें एक्चुअली बताओ कि करना क्या क्या है। मैं स्ट्रगल करूंगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा इसमें, ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो अभी बस मैं सो के उठा था, सुबह जब आया तब ना आंखें सूजी हुई थी नींद में, तो आते ही हॉस्टल ढूंढा है बड़ी मुश्किल से, जो कि अगले पार्ट में आपको पता चलेगा। आते ही मैं सोया हूँ, नहाया हूँ, उसके बाद जाके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार प्यार बनाए रखिए और कमेंट जरूर करें, जितना आप कमेंट करोगे उतना यूट्यूब ना वीडियो को पुश करते हैं आगे। सो विद दिस थैंक यू, बाय बाय एंड अनरूट भारत।